गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। खोराबार थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक रामाश्रय मौर्य की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपितों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद की गई बयासी की कार्रवाई, ढोल नगाड़ों के साथ कराई गई मुनादी, इसके बाद दबाव में आए एक आरोपी ने किया सरेंडर। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक, शासन की योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। मुंह बांध कर चार चोरों ने SBI बैंक के मलाव ब्रांच के मुख्य गेट पर लगे CCTV कैमरे व चैनल के 3 ताले तोड़कर अंदर चोरी का किया प्रयास, रहे असफल। सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर CCTV फुटेज के आधार पर जुटी आरोपियों की तलाश में। बाढ़ के पूर्व तैयारियों का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने DM, SDM, नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों के साथ किया राजघाट स्थित नव निर्मित घाट और निर्माणाधीन नालों का निरीक्षण, कहा समय से पूरा कर ले तैयारियां, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बासगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को शासन द्वारा उपलब्ध राहत राशि को समय पर वितरण करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान एवं पेराई सत्र की समीक्षा बैठक, किसानों के 100% गन्ना मूल्य के भुगतान के साथ किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई UP बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में जनपद स्तरीय समिति की बैठक, बोर्ड परीक्षा को सुचिता पूर्वक सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने मंडलायुक्त के जरिए प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, तीनों कानूनों को तत्काल रद्द करने की मांग। गोरखपुर में शनिवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,425, अब तक 360 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 78 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच फ्रेशर पार्टी का गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में हुआ आयोजन, छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत, कॉलेज की सीनियर छात्राओं ने नई छात्राओं का किया स्वागत। COVID-19 वैक्सीनेशन के बाद उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी ने कहा पूरी तरह से सुरक्षित है कोरोना की वैक्सीन, नंबर आने पर अवश्य कराए टीकाकरण। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में विधि विज्ञान संकाय की टीम ने कला संकाय टीम को 46 रन से हराकर किया कप पर कब्जा, विजेता और उपविजेता टीम को किया गया पुरस्कृत।